तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्ट ऐसे 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये 5 गलती कर रहे हो तो भाई आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। आप चाहे जितनी मेहनत कर लेना अपने यूट्यूब पर, चाहे कितने ही आप एडिटिंग में आप इंप्रूव कर लेना, कितने ही आप कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, लेकिन अगर आप ये 5 गलती कर रहे हो कोई फायदा नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। अब वो 5 पॉइंट्स क्या है, ये 5 क्या काम है जो आप गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 क्या है आप वो सुन लीजिए। आपके मन में ये रहता है कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर लिया और जल्दी से जल्दी बस 2-3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए या 1 महीने में मोनेटाइज हो जाए, तो आप क्या गलती करते हो वो सुन लो भाई। क्या गलती करते हो, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप क्या सोचते हो कि भाई मेरे घर में वाईफाई तो लगा हुआ है ही, मैं अपने YouTube चैनल को 5 टैब में खोल के और 5 जगह उसको चला दूंगा अपनी वीडियो को तो मेरे वहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे क्या वॉच टाइम। तो आप ये गलती करते हो कि मतलब मैं 5 टैब खोल दूँ अपने एक सिस्टम में और भाई 5 जगह वीडियो चल रही है मेरी, तो मेरे वहाँ से क्या वॉच टाइम मेरा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब आपका चैनल कुछ टाइम के बाद जब आप मेहनत करते हो या कुछ टाइम के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लायक हो जाता है, लेकिन जब आप रिव्यू में भेजते हो तो भाई आपको वहाँ से पता क्या मिलता है, इनवैलिड एक्टिविटी का आपको वहाँ से रिवर्ट आता है कि आपने इनवैलिड एक्टिविटी की है, इस वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, ये पहली गलती है। आपको कभी भी एक वाईफाई से, क्योंकि वाईफाई जो होता है उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर आप एक यूनिक आईपी एड्रेस से 5, 6 या 10 आप टैब खोल करके वीडियो को प्ले कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई आपने इनवैलिड एक्टिविटी की है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, एक ही वाईफाई से 5 मोबाइल नहीं यूज करना। वो तो टैब की बात होगी सिस्टम के अंदर, लेकिन नंबर 2 क्या है, अगर आपने एक वाईफाई लगाया हुआ है और आप सोच रहे हो कि भाई 5 दोस्त बैठे हैं, पांचों के मोबाइल खुलवा के और वाईफाई से कनेक्ट करवा कर और वीडियो प्ले करवा देता हूँ, तो ये भी आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन की रिव्यू में जाएगा तो वहाँ से आपको क्या रिवर्ट आएगा, इनवैलिड एक्टिविटी, तो वहाँ पर भी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना कि भाई 4-5 दोस्त बैठे हैं, वाईफाई से कनेक्ट करा दो और सब में अपनी वीडियोस को चला दो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई आपके माइंड में क्या क्या खुराफातें चलती हैं भाई मैं जानता हूँ सबको, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं ऐसे अल्टीमेट मतलब इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या। आपको लगता है यार अब कौन इतने टाइम तक मेहनत करेगा, जल्दी से ये सब एक्टिविटी कर लेते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो दोस्त, आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या है वो सुन लो। आप अभी आपको आप देख रहे हो भाई कितना यूट्यूब ने कितने चीजें लागू कर दी हैं भाई, किसी कंटेंट ने डालना है जो मतलब अब जेन्युइनली जो यूट्यूब पर वर्क कर रहा है, जो मतलब अपना फेस रिवील कर रहा है, अपने वीडियो बना करके अपनी खुद से एडिटिंग कर रहा है, बाहर एक्स्ट्रा से कोई वीडियो क्लिप यूज नहीं कर रहा है, जो जेन्युइनली वर्क कर रहा है भाई वही यूट्यूब पर वर्क करेगा, वही यूट्यूब पर ग्रो करेगा अपना चैनल। आपको किसी की भी यूट्यूब की वीडियो या किसी की यूट्यूब के चैनल की वीडियो आपको अपनी वीडियोज के अंदर क्लिप में नहीं लगानी है भाई। ठीक है भाई, उससे आप ही को प्रॉब्लम आएगी। मतलब अब क्या चल रहा है, अब अगर जो अब इतना स्ट्रिक्टली यूट्यूब के रूल्स हो गए हैं भाई, इतनी गाइडलाइंस इसकी इतनी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई अगर आप 10 सेकंड की भी क्लिप लगा रहे हो ना भाई, उस पे भी कॉपीराइट आ जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब 4000 घंटे वॉच टाइम के साथ साथ आपको 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है, और अगर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक है तो भाई आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। पहले आपको आफ्टर 3 महीने के बाद पहले उसको रिमूव करनी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई यूट्यूब कहीं ना कहीं चेंजेस कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई यूट्यूब पर मेहनत नहीं करना चाहते लोग, मतलब सिर्फ वो लोग आ रहे हैं कि जो मतलब चाहते हैं कि हम खुद से कुछ ना करें, दूसरों की वीडियो डाल के पैसा कमा लें। भाई था उस टाइम पहले, लोगों ने कमाए भी हैं, लाखों रुपए भी कमाए हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा भाई। अब जो यूट्यूब पर जेन्युइनली वर्क करेगा भाई वही यूट्यूब पर सक्सेस होगा या वही ग्रो करेगा चैनल, नहीं तो भाई यूट्यूब डिलीट ही कर देगा भाई। आपने देखे भी होंगे भाई जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है ना भाई, वो भी चैनल डिलीट हो रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पर, उसका भाई का चैनल भी डिलीट हो गया क्योंकि कंटेंट ही कुछ ऐसा था। तो आपको इस तरह का कंटेंट नहीं बनाना है जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो भाई अपने चैनल के लिए, वीडियोस डाल रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, थंबनेल्स बना रहे हो, और जब यूट्यूब की जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है और जब आप खुशी खुशी अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो भाई उस वक्त का दुख बहुत बुरा होता है दोस्त, वो दुख देखने लायक नहीं होता। फिर आप सोचते हो यार काश मैं जेन्युइनली वर्क कर लेता इतना टाइम, तो शायद आज मेरे को ये रिवर्ट ना देखने को मिलता, तो आपको ये काम नहीं करना। चौथा पॉइंट क्या है भाई, चौथा पॉइंट ये है, आपको अपने चैनल पर अगर टेक्निकल चैनल है तो भाई टेक से रिलेटेड ही वहां पर वीडियो डालो, वहां पर एंटरटेनमेंट की वीडियो मत डालो, वहां पर कोई भी रोस्ट की वीडियो मत डालो, वहां पर इस तरह की वीडियोस ना डालो जिससे उसका चैनल का कोई रिलेवेंट नहीं है। जिस नीश का आपका चैनल है
है वहां पर उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस डालनी है। क्योंकि अगर आपकी, क्योंकि मैं अगर बात करूं मेरा टेक्निकल चैनल है तो जो मेरे पास जो ऑडियंस है ना भाई वो टेक्निकल है। वहां पर अगर जो मैं स्टडी का मटेरियल डालना शुरू कर दूं या रोस्ट करना शुरू कर दूं या एंटरटेनमेंट डालना शुरू कर दूं तो शायद वो लोग नहीं देखना पसंद करते भाई एंटरटेनमेंट। हो सकता है कुछ लोग पसंद करते हो लेकिन कुछ लोग नहीं करते। तो बेहतर यही है जो आपका नीश है आप उसी पर वर्क करो, उसमें मल्टी लेवल का वर्क मत छोड़ो भाई। क्योंकि ऑडियंस आपकी ये कहने लगती है भाई ये क्या कर रहा है अपने चैनल पे, कुछ भी डाल देता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो भाई ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आपका नीश है उसी से रिलेटेड आप वीडियो डालो। ठीक है, यूट्यूब भी भाई इन सब चीजों को देखता है कि भाई बंदा एक चीज से रिलेटेड वीडियो डाल रहा है तभी यूट्यूब भी प्रमोट करता है, जब उसको लगता है भाई हर चीज से। क्योंकि भाई इसी फिर टैग्स भी आपको उसी हिसाब से लगाने पड़ेंगे, फिर टाइटल भी आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारी चीजें यार टेक्निकल से रिलेटेड आपको उसके अंदर कैटेगरीज उसके अंदर आपको डिफरेंट करनी पड़ेगी उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि लोग सर्च कुछ और करते हैं वहां पे मिलता कुछ और है, तो ये भी गलती मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट मिस्टेक क्या करते हो आप। जब आपका चैनल, जब आप एक चैनल क्रिएट करते हो उस पर वीडियो डालते रहते हो आपके व्यूज स्टार्टिंग में आते हैं फिर नहीं आते, फिर आ जाते हैं फिर नहीं आते, तो आप क्या सोचते हो यार चैनल डेड हो गया मेरा, अब चैनल दूसरा बना लेता हूँ। लेकिन नहीं, आपको चैनल नहीं बनाना है भाई, आपको कंसिस्टेंसी से उसी चैनल पर वर्क करना है। क्योंकि सोचते हैं यार व्यूज नहीं आ रहे, नया चैनल बनाऊंगा तो शायद जितनी मेहनत मैं इसमें करूँ उससे ज्यादा मेहनत उस पर करके मैं उसको ग्रो कर लूंगा। लेकिन नहीं दोस्त, आप उसी पे वर्क करो ना यार, उसी चैनल को उठाने की कोशिश करो भाई। दूसरे चैनल को क्यों बनाने की कोशिश करते हो आप, जब आपको लगता है कि भाई व्यूज नहीं आ रहे चल मैं इन वीडियो को सारी को सेव करके एक नया चैनल नए नाम से शुरुआत कर लेता हूँ। तो भाई मत करो यार ऐसा, इससे आप ही को प्रॉब्लम आएगी यार। ठीक है, आप उस चैनल को उठाओ जिस पे आपके व्यूज नहीं आ रहे यार, तब मजा आया भाई यूट्यूब ग्रो करने में। बहुत सारे मैसेजेस वगैरह मेरे को आते हैं कि भाई हमारा चैनल डेड हो गया, चेक कर लो। हम चेक भी करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स बताते हैं भाई, थोड़ा सा अपने थंबनेल को थोड़ा इंप्रूव करो, वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करो, लेकिन नहीं करते। उनको लगता है चैनल डेड हो गया, हम इसको डिलीट करके दूसरा चैनल दूसरे नाम से खोल लेंगे, चाहे वो हमारा चैनल चल जाए। भाई वो भी ना चला फिर क्या करोगे, क्या उसको भी डिलीट करोगे भाई? नहीं यार, उसी को वर्क करना है आपको जो आपका चैनल चल रहा है, व्यूज आए या ना आए, मैंने कहा था ना आपको कंटिन्यू लगे रहना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।